एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन एक में कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने मुझसे पूछा था, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वायर वाउंड रेजिस्टर और एक वायर वाउंड इंडक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। बात यहाँ पे हो रही है रियोस्टेट की। अगर आप बात की जाए एक रियोस्टेट की, और आपने देखा होगा इस तरीके कुछ रियोस्टेट आपके लैब में रखा होगा, ठीक है, और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी जो रेजिस्टेंस हासिल किया जाता है वो बेसिकली लेंथ के बेसिस पे किया जाता है। इस तरीके के वायर इसके ऊपर वाउंड होता है, और इस वायर वाउंड रेजिस्टेंस से हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस हासिल करते हैं। एंड यहाँ पे एक क्लिप लगा होता है जिससे हम लोग शॉर्ट करते हैं या टैपिंग कह सकता हूँ मैं, और यहाँ से सप्लाई जो होगी वो निकलती है। तो यानी कि यहाँ से करंट एंटर करेगा आई, और यहाँ से करंट जो होगा वो एग्जिट करेगा। ठीक, अब अगर इंडक्टर का देखा जाए तो इंडक्टर भी कुछ इसी तरीके का होता है। ठीक है, इंडक्टर भी ऐसे ही होता है। तो भाई इस ये है आपका रियोस्टेट यानी कि रेजिस्टर, और ये है आपका इंडक्टर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? दोनों ही वायर बाउंड हैं। तो इसके अंदर जो डिफरेंस है उसको हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर हम लोग बात करना चाहेंगे किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है, मैं अलग अलग पार्ट्स में से बताऊंगा। तो सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ कोर, कोर के बारे में बात कर लें। ठीक है, तो कोर की अगर बात की जाए तो जो आपका रेजिस्टर होता है यानी कि रियोस्टेट की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो आपका जो रियोस्टेट है यानी कि रेजिस्टर जो है, रेजिस्टर उसकी जो कोर होती है वो बनी होती है एक इंसुलेटर की। इंसुलेटर कोर यूज़ करते हैं, इंसुलेटर जो आपने आपने लैब में जो आपने रियोस्टेट देखते हो उसमें जो ग्रीन कलर की जो कोर होती है जिसके ऊपर तार लपेटा गया होता है, वो बेसिकली एक इंसुलेटर की बनी होती है। और वो इंसुलेटर हम जनरली हम लोग सिरेमिक लेते हैं, सिरेमिक नाम का एक इंसुलेटर हम लोग लिया जाता है। ठीक है, सिरेमिक इंसुलेटर लिया जाता है। जबकि जो कोर होती है इंडक्टर की, यानी कि अगर हम बात करें इंडक्टर की कोर, कहीं पे अगर आपने इंडक्टर देखा होगा तो इस तरीके का वाउंड होता है, और वो एक किसी मटेरियल पे वाउंड होता है। बहुत फेमस नाम है इसका, हम लोग ये कोर यूज़ करते हैं, वो होती है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की होती है, या फिर फेराइट की कोर यूज़ करी जाती है, फेराइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग कोर यूज़ करते हैं वो इंसुलेटर होती है, और यहाँ पे इंडक्टर में जो हम लोग कोर यूज़ करते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती है, जबकि इसमें सिरेमिक की कोर यूज़ होती है। ठीक है, तो एक तो कोर से डिफरेंस आ गया जो मेन डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस होता है वायर डायमेंशन। ठीक है, तो दूसरा क्या डिफरेंस होता है? दूसरा डिफरेंस होता है वायर डायमेंशन, वायर की डायमेंशन। तो भाई यार देखो इसको समझो, जो अगर आप रियोस्टेट लोगे यानी कि यहाँ पे जो आपने रेजिस्टेंस के अंदर जो आप वायर यूज़ करोगे वो आप थिन वायर यूज़ करोगे। क्योंकि देखो एक्चुअल में होता क्या है, रियोस्टेट को जो बनाने का हमारा मेन मकसद था, रियोस्टेट का जो पर्पस था, इसका पर्पस होता है एक रेजिस्टेंस को जनरेट करना, रेजिस्टेंस को जनरेट करना। और ये जो रेजिस्टेंस जनरेट किया जाता है ये विद द हेल्प ऑफ थिन वायर और लेंथ से, यानी कि हम लोग डायमेंशन से रेजिस्टेंस को जनरेट करते हैं, यानी कि R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो लेंथ हम लोग बढ़ा देते हैं, लेंथ कैसे बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के, और एरिया को कम कर देते हैं थिन वायर को थिन करके। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है रियोस्टेट वो इसलिए डिज़ाइन करा गया था कि हम क्या करें, वेरिएबल रेजिस्टेंस पा सकें लेंथ और एरिया का इस्तेमाल करते, यानी कि फिजिकल डायमेंशन को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, जबकि जो इंडक्टर होता है इसका जो सोल पर्पस होता है, इसका पर्पस होता है इंडक्टेंस को जन्म देना। इंडक्टेंस यानी कि ऐसी कॉइल जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर सकें। तो इसका जो सोल पर्पस होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करना, और कह सकते हैं करंट के चेंज को अपोज करना। इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट यानी कि चेंज इन करंट को अपोज करता है, चेंज इन आई को अपोज करता है, और ये डायरेक्टली आई को अपोज करता है, इसको चेंज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। रेजिस्टेंस जो हमने डिजाइन करा था वहां वो किस लिए डिजाइन किया गया था, और इंडक्टेंस किस पर्पज से डिजाइन किया गया था, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करने के लिए, यहाँ पे एनर्जी को लॉस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस बाय लिमिटिंग द करंट। तो ये करंट को लिमिट करता है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को लिमिट करेगा, और एल जो है वो डी आई बाई डी टी यानी कि चेंज इन करंट को अपोज करता है। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा, तो हम रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, जो रियोस्टेट होता है उसके अंदर हम लोग जो रेजिस्टेंस होता है वो थिन वायर यानी कि एक पतला वायर लेके हम लोग काम करते हैं। जबकि अगर बात की जाए इंडक्टर की, यानी कि अगर हम लोग इंडक्टर की बात कर लें, इंडक्टर, तो इंडक्टर के अंदर जो वायर यूज़ करते हैं वो मोटा वायर हम यूज़ करते हैं, इस तरीके का एक थिक वायर। कौन सा यूज़ करते हैं, थिक वायर यूज़ करा जाता है उसकी वाइंडिंग को करने के लिए या टर्न्स को करने के लिए। तो अगर कहीं पे आपको इंडक्टर चाहिए तो आप क्या करोगे, थिक वायर यानी कि मोटा वायर यूज़ करोगे। ठीक, नाउ थर्ड डिफरेंस जो इनके बीच में होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है वाइंडिंग पैटर्न, वाइंडिंग पैटर्न। इसको समझते हैं, वाइंडिंग पैटर्न का क्या मतलब हुआ। वाइंडिंग पैटर्न में होता है कि हम लोग अगर हम चाहते हैं कि हमें रेजिस्टेंस मिले तो उसके अंदर एक तरीके की वाइंडिंग होती है जिसे हम कहते हैं डबल वायर वाइंडिंग करी जाती है, डबल वायर वाइंडिंग करते हैं। जबकि अगर बात करते हैं इंडक्टर की तो वहां पे सिंगल वायर वाइंडिंग करते हैं, हम लोग सिंगल वायर की वाइंडिंग करते हैं,
सिंगल वायर वाइंडिंग, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ, एक बहुत हमेशा याद रखना, दुनिया का कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, ठीक है, नेचर का कोई भी एलिमेंट हो, उसके अंदर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये तीनों की तीनों चीज़ें उसके अंदर हमेशा रहती हैं, ठीक है। इनका रेशियो अलग अलग हो सकता है। तो अगर बात करी जाए, आपको अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो देखो, लाइफ में या नेचर में कहीं पे भी प्योर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता, प्योर इंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करता और प्योर कैपेसिटेंस भी एग्जिस्ट नहीं करता। हर बार आपको कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो अगर प्रैक्टिकल बात करी जाए तो या तो आपको LR सर्किट मिलेंगे, RC सर्किट मिलेंगे, LRC सर्किट मिलेंगे, लेकिन केवल R, केवल R और केवल C, ये तीनों के तीनों नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, याद रखना ये चीज़। तो ना तो रेजिस्टेंस केवल मिलेगा, ना केवल इंडक्टेंस, ना केवल कैपेसिटेंस। तो हमारी कोशिश क्या होती है, अगर आप कोई स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो जहाँ पे आपको केवल रेजिस्टेंस चाहिए या केवल इंडक्टेंस चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोशिशें रहती हैं कि हम एल के, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा उस केस में, मैं अगर आर एल सर्किट है तो एल की वैल्यू को डाउन करूँगा और आर की वैल्यू को बहुत ज़्यादा कर दूंगा, ठीक। तो आर की वैल्यू, अगर तुम्हें रेजिस्टेंस चाहिए रियोस्टेट बनाना है, तो कोशिश करी जाती है कि आर की वैल्यू को बहुत ज़्यादा करा जाए इंडक्टेंस से। इसी तरीके से अगर तुम इंडक्टर बना रहे हो तो वहाँ हमारा मेन मकसद रहता है कि एल की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उसके रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो देखो, यही तीन चीज़ें मैंने जो अभी तक हमने पॉइंट डिस्कस करें वहाँ पे एग्जैक्टली हमने करा यही है, ठीक है। आप रजिस्टर बना रहे हो, रजिस्टर का मतलब हम क्या चाहते हैं कि आर की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा हो एल से, तो इसके लिए हम लोग सिरेमिक यूज़ करेंगे। सिरेमिक जो होता है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को खास सपोर्ट नहीं करेगा, एक इंसुलेटर का वर्क करेगा, ठीक। तो आर ग्रेटर देन बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा एल से, जबकि यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक करेंगे, इस केस में क्या होगा, इंडक्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी आर से, ठीक। नेक्स्ट, मैंने जैसे तुम्हें बताया वायर डायमेंशन, अब देखो अगर आपको रेजिस्टेंस लेना है तो थिन वायर लोगे, थिन वायर लेने से क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी इंडक्टेंस से। लेकिन अगर आप इंडक्टर बना रहे हो तो इंडक्टर केस में हम लोग रेजिस्टेंस कम करना है, और हम सब जानते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर मैं थिक वायर ले लेता हूं, थिक वायर लेने का मेन मकसद क्या होता है, एरिया बढ़ा दोगे तो आर की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो इस केस में थिक वायर लेने से क्या होगा, एल की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी आर से। देखो, हर बार एक ही सी चीज कर रहे हैं। तीसरी चीज हमने क्या करते हैं, और ये है वाइंडिंग पैटर्न। तो देखो, इंडक्टर की अगर बात करी जाए, इंडक्टर का जो पूरा जो पर्पस है, इंडक्टर क्या करता है, अपने अंदर जब करंट फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करता है, ठीक। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में भी, मैंने पढ़ाया है ये चीज कि ट्रांसफार्मर में इंडक्टेंस जो होता है वो किस तरीके से बनता है, ये कॉइलिंग होती है ऐसे और ये निकल गई, देन अगर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है तो आप यहाँ पे मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगा बता सकते हो कि फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ ये बनेगी, यानी कि नॉर्थ पोल एंड ये दिस वन इज द साउथ पोल। ये हो गया इंडक्टर, बेसिक इंडक्टर, ठीक। अब हमें क्या करना है, अगर आप चाहते हो, अगर हम चाहते हैं कि हम रियोस्टेट बनाना चाहते हैं, यानी कि आर चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंडक्टेंस के इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये कैसे कर सकते हो, तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करके। ये कैसे, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डबल वायर, इसका क्या मतलब होता है, डबल वायर का मतलब समझ लेते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल दिस वन इज योर रियोस्टेट, ये है, तो इसके ऊपर वाइंडिंग कैसे करोगे, तो वाइंडिंग आप इस पर इस तरीके से करोगे, ये ठीक है, बात समझ में आ रही, इस तरीके की वाइंडिंग करेंगे, यानी कि एक बार वायर को ऊपर ले जाएंगे और फिर उसी वायर को नीचे लाएंगे, ठीक है, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे और फिर इसे नीचे ले जाएंगे। तो इस तरीके की कुछ वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, अगर ये करोगे तो इसे कहते हैं डबल वायर वाइंडिंग भी, इसको इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे बचाता है, तो देखो अब जरा इसको ध्यान से देखना, एक वायर करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि आधी कॉइल में तो करंट ऊपर जा रहा होगा और आधी कॉइल के अंदर करंट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, देखो एक ही समय में, ठीक है। ये देखो अलग वायर में करंट नीचे आ रहा है, तो अगर नेट बात करी जाए, नेट फ्लक्स की, तो देखो ये वाले जो फ्लक्स बनाएंगे, अगर आप सिंपली यहाँ पे फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ करंट में ले लो, तो इनका फ्लक्स कुछ इस तरीके से बनेगा, ये रहा, ठीक है। और जो ब्लू वाले हैं, इनका फ्लक्स बनाओगे तो इनका फ्लक्स जो होगा वो कुछ अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि ये, ठीक, समझ में आ रही बात, ये सिंपल सा है। तो देखो अब ये क्या है, ये वाला जो फ्लक्स है, यानी कि ब्लू वाला और रेड वाला, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये करेंगे कैंसिल कर देंगे, बात समझ में आ रही। तो ऐसे में क्या होगा, जो नेट फ्लक्स, यानी कि इंडक्टर किस पे काम करता है, इंडक्टर काम करता है उसके अंदर स्टोर होने वाली मैग्नेटिक एनर्जी पे, और इस मैग्नेटिक एनर्जी को अगर हम खत्म कर देंगे तो इंडक्टेंस भी खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसको ऐसा करने के लिए, यानी कि अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को हमें रिड्यूस करना है, तो इंडक्टेंस को खत्म करने के लिए हम लोग डबल वायर का इस्तेमाल करते हैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर आपको रियोस्टेट बनाना है तो रियोस्टेट के अंदर जो वायर यूज़ करा जाता है उसको हम लोग लपेटने का जो तरीका होता है वो डबल वायर की तरह, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया, इस तरीके से वायर हम लोग लपेटते हैं। जबकि अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के अंदर, जैसे अगर हमारे पास इंडक्टर हमें बना रहे हैं तो हमें वाइंडिंग करनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इस तरीके की वाइंडिंग, यानी कि सिंगल वायर की वाइंडिंग करते चले जाओगे,
अब सिंगल वायर की अगर करोगे तो इसमें देखो डायरेक्शन ऑफ करंट एक सी रहेगी, क्लियर हो गया। तो एक जब एक ही डायरेक्शन रहेगी तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा वो भी यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स बनेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, इस केस की अगर बात की जाए तो एल बहुत बहुत ज़्यादा होगा आर से, और प्रीवियस केस की बात की जाए यानी कि ये डबल वायर अरेंजमेंट जो मैंने बताया इस केस में यानी कि इस पर्टिकुलर केस में आपका आर बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा एल से, क्योंकि एल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है और डबल वायर यूज़ करके हमने क्या करा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो थी उसे कैंसिल आउट कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसमें मैंने बेसिकली आपको कवर किया है कि हमने कैसे रिजिस्टर अगर आपको डिज़ाइन करना है या फिर इंडक्टर बनाना है, दोनों होते देखने में एक जैसे हैं लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है, तो तीन डिफरेंस मैंने आपको इसमें बताए। एक तो कोर में अंतर होगा, ठीक है, दूसरा आपके वायर की डायमेंशन में अंतर होगा, डायमेंशन में, और तीसरा पैटर्न में अंतर होगा। ये तीन डिफरेंस जो हैं वो मैंने आइडेंटिफाई करके आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक, तो अगेन जो लास्ट जो चीज़ आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगेन जो मैंने अभी पहले समझाई, याद रखना लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आर एल और सी ना हो। जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेजिस्टेंस बनाना है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एल को कम करते हैं और आर को बढ़ा देते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड इंडक्टेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम एल को बढ़ा देंगे और आर को कम कर देंगे, और अगर कैपेसिटेंस बनाना है तो आर को कम कर देंगे और सी को बढ़ा देंगे। अच्छा, अब मैंने अभी बताया कि तीनों चीज़ें एक्जिस्ट करती हैं, तो हाँ इसमें कैपेसिटर भी होगा। कैपेसिटर के साथ क्या करना है, जैसा एल के साथ करा कैपेसिटर को भी रिड्यूस कर देंगे, इस केस में आर को भी रिड्यूस करा कैपेसिटर को भी रिड्यूस कर देंगे, और इस केस में एल भी होगा तो एल को रिड्यूस करेंगे, आर को रिड्यूस करेंगे और कैपेसिटेंस को राइज कर देंगे। ठीक, तो यानी कि आपको लाइफ में आर एल सर्किट मिल सकता है, आर सी सर्किट, और ये तो मिल सकते हैं, लेकिन प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस और प्योर इंडक्टेंस, ये तीनों के तीनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हैं आपको कैसा लगा ये आंसर, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका चाहते हैं कि मैं आपको आंसर दूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको उसके ऊपर वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।